Good morning and assalamu alaikum my dear class 5 how are you all i hope you all are fine enjoying good health learning at homes as you all know i am your social studies teacher Arujunas, and i hope you all are enjoying online video lectures doing your home task and studying at homes okay let's start today's video lecture are you ready so as you all know uh, we are discussing about our uh, unit

Uh, उनके फेस्टिवल्स उनके रस्मात उनका रिलीजन ये सब हमारे कल्चर में आता है एंड इन आर प्रीवियस प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द कल्चर ऑफ़ पंजाब हमने पंजाबी लोगों के बारे में पढ़ा पंजाब के बारे में पढ़ा आपको पता है कि हम सब पंजाब में रहते हैं तो हम क्या हैं पंजाबी हैं पंजाब का कल्चर बहुत मज़े का कल्चर है यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है उर्दू लैंग्वेज भी बोली जाती है तो आज हम कल्चर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिंधी कल्चर कि सिंध के लोग कैसे रहते हैं उनका क्या रहन सहन है किस तरह के कपड़े पहनते हैं वो और इसके अलावा हम पखतून कल्चर पढ़ने लगे हैं पख्तून पीपल आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर कंट्री बिलव कंट्री पाकिस्तान ये हमारा कीमती असाँ है हमारे ह, हर सूबे के लोग हमारा कीमती असासा हैं और हम एक दूसरे से प्यार करना चाहिए एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए Okay, Sindhi culture. Sindhi culture is the land of religious mystics and saints. The people of Sindh pay great respect to Hazrat Shahbaz Kilander, Shah Abdul Latif Batai, and Hazrat Sachal Sarmast. This province, along with other qualities, is rich in agricultural production and mineral resources. People living in interior Sindh and in the coastal areas. follow their traditions these people present best social ways in their living styles and hospitality ये लोग भी अपने रहन सहन में बहुत मकबूल हैं और वहाँ pe जो बुज़ुर्ग हैं आ, उनकी जो teachings हैं वो बहुत फेमस हैं वो उन लोगों को बहुत मानते हैं जैसे कि हमारे पास सदर शहबाज के लंदर हैं शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई है सचिल सरमस्त हैं तो इनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिस्पेक्ट दी जाती है और लोग उनको बहुत फॉलो कर करते हैं ये बुजुर्गों के दरबारों पे आना जाना वहाँ पे आ, नजर न्याज करना बहुत फेमस है और इस सूबे में और भी बहुत सारी हमारे पास आ, खसूसियात हैं वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वहाँ मिनरल रिसोर्स है और जो अंदरून सिंध हैं वहाँ के जो कॉस्टल एरीज़ आपको पता है कि सिंध में हमारे पास आपको पता है साउथ में आता है और साउथ में हमारे पास अरेबियन सी भी है वहाँ पर हमारे पास समंदर है साहिल समंदर है तो वहाँ के लोग फ़िशिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं मछलियाँ पकड़ते हैं और इसके अलावा वहाँ के लोग जो है उनका जो रहन सहन है लोगों से मिलना जुलना उनमें हॉस्पिटलिटी भी बहुत ज़्यादा है वो लोगों को बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं अपने एरिया में उनकी सिंधी टोपी सिंधी अजरक जो है वो बहुत मशहूर है पख्तून कल्चर द पखतूनज़ ऑफ खेब पखतूनवा आर हॉस्पिटेबल एंड ब्रेव आपको पता है कि पख्तून जो पठान लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं दे हैव कैप्टेर ट्रेडिशन इन लाइव सिंस सेंचुरीज और उन्होंने अपनी जो ट्रेडिशन है उसको बहुत बहुत सदियों से ज़िंदा रखा हुआ है देयर ब्रेवरी एंड विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस इज़ अ ब्राइट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री आपको पता है बहुत बहादुर होते हैं ये और यह हर टाइम सेक्रीफाइस के लिए कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं और बढ़ चढ़ के आ, पाकिस्तान का कोई भी काम हो पाकिस्तान में कोई मुश्किल वक्त है उसके लिए आगे रहते हैं तैयार रहते हैं हमेशा इन ट्राइबल सोसाइटी हॉस्पिटलिटी होल्ड्स मेजर प्लेस देयर मेरिज सेरेमनीज़ एंड सम अदर कस्टम्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्राम अदर रीजनज़ और इनका ज टडिशन्की जो सूबे हैं प्रोविंस हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ है अक्सर आपने देखा होगा आ, पठानों का जो रहन सहन का तरीका होता है उसके अलावा उनकी जो ड्रेसिंग होती है वो बहुत मुख्तलिफ होती है ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में दो पठान बच्चे हैं और बहुत ही प्यारे उन्होंने ड्रेसेस पहने हुए बहुत प्यारे ड्रेसेस वेयर किए हुए हैं तो हमारे हर कल्चर जो है वो बहुत प्यारा है और हमें अपने पाकिस्तान से प्यार करना चाहिए और हमें हर कल्चर के बारे में पाकिस्तान के पता होना चाहिए नोहा होनी चाहिए आप इस पर मज़ीद सर्च भी कर सकते हैं ओके माई डियर स्टूडेंट्स वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू सेल्व्स अल्लाह हाफिज़